अभी साउथ दक्षण च जाके आए हाँ, असं बंगाल भी जाके आए हाँ, असी देखिया भी वह लोग अपनी बोली नू, अपने विरसे नू, अपने इतिहास नू लैके किन्ने समर्पित ने। उन्हां दा एक चौकीदार तो लैके मजदूर तो लैके डाक्टर, इंजीनियर, IPS, IAS हर तरह का इंसान, उन्हां दे लीडर, उन्हां दे मुख्यमंत्री, मंत्री, MLA, MP अपनी बोली नू लैके बहुत ज़्यादा समर्पित ने। पर पंजाबी इस पक्षों अभी बहुत पछड़े हुए हैं। हुण सिक्ख्या नीति की गल करदे हां, सिक्ख्या नीति का विरोध क्यों करना बनता, जां सिक्ख्या नीति माड़ी क्यों आ? सीधे रूप जे मैं कहां, सिक्ख्या नीति इस तरह की नीति है जिवें आम तौर ते आपां देखदे हां कि मोदी साहब कहिंदे आ जी एक देश एक बोली एक चोण का एजेंडा है। हुण इन्हां ने यह कहता भी एक देश दे विच इक्को ही सिलेबस आ जिहड़ा पढ़ाया जाया करूगा, चाहे वह दक्षण होवे, चाहे पूर्व होवे, चाहे पश्चिम होवे, चाहे उत्तर होवे। ते जिहड़ी सिक्ख्या की नीति सी पहला यह राज्यां दे अधिकार खेत्र च आउंदी सी, पर इंदिरा गांधी ने यह सांझी सूची च लियांदी। उस तो बाद इन्हां ने बिल्कुल राज्यां कोलों खो के 2020 दे विच एक केंद्र आप दे हिस्से च लै गया सिक्ख्या नीति भी, एजुकेशन दे उत्ते जिहड़ियां पॉलिसियां नीतियां बन गईआं वह केंद्र तय करूगा। हुण इह सवाल खड़ा हुंदा वी इहदे उत्ते साडे ते हमला किवें आ, सानूं तकलीफ की आ? ये देश है जिहड़ा ये वख वख बोलियां वख वख कौमां धर्मां मजहबां दे लोकां दा देश है। 47 तो बाद वख वख जिहड़ियां रियासतां सीगियां उन्हां रियासतां नूं इकट्ठा किया गया, यूनियन ऑफ स्टेट नूं अज भी आपां राज्यां दा समूह संविधान दे विच कहा जांदा है कि वख वख राज्यां दा इक समूह है, वख वख राज्यां दी अपनी बोली, अपनी सभ्यता, अपना पहरावा, अपने रीति रिवाज ने, अपनी उन्हां दी इक पहचान, उन्हां दी अपनी इक होंद आ। सिद्धे रूप जे मैं कहां भी इह सारिआं दी पछाण दे उत्ते, उन्हां दी होंद दे उत्ते बहुत वड्डा हमला है। हुण इत्थे केंद्र तय करूगा कि पंजाब दे विच किहड़ा इतिहास पढ़ाया जाणा, जां दूजे सूबे च किहड़ा इतिहास पढ़ाया जाणा, किहड़े इतिहास के अंदर उन्होंने हीरो बनाने आ, किहड़िआं नूं खलनायक बनाउणा, किहड़िआं नूं नायक बनाउणा, यह सारा सिलेबस इतिहास के अंदर वह तय करनगे, वह पाया करनगे। इत्थे 70 तों 75% तय केंद्र करूगा, बाकी जिहड़ा 20 तों 25% आ वो यूनिवर्सिटियां आपदे तौर पर अपना कोई भी इतिहास कोई लिटरेचर वो पा सकते हैं। हुण इसलिए यह बहुत खतरनाक गल आ कि साडा अपना इतिहास आ, साडे इतिहास के बहुत बड़े महान योधे होए ने जिन्ह ने बहुत ज़्यादा इत्थे मल्लां मारियां ने, जंगा युद्धां दे विच बहुत खून डोलिया, कल्लियां कल्लियां ने इत्थे जालम हुकूमतां नूं वक्त पाए ने। जे अज असीं उन्हां नूं पढ़दे हां, उन्हां इतिहास नूं पढ़दे हां, तो उदों प्रेरणा लैके असीं अगे वधदे हां, क्योंकि जिहड़ा वर्तमान है, वर्तमान हमेशा इतिहास तो सीख के सीध लैके ही भविख वल वधदा हुंदा। इसलिए साडा सारा इतिहास मलिया मेट कर देना चाहुंदे आ, अपने तरीके नाल इतिहास पढ़ाउणगे। जिन्हां ने इत्थे कदे अंग्रेज़ां दी चाहे हुकूमत रही होवे, चाहे इत्थे मुगलां दी हुकूमत रही होवे, किसी तो माफिया नहीं मंगिया, किसी के अगे गोडे नहीं टेके, चाहे काले पानी दी जेलां कट्टणियां पईआं, चाहे गोलियां खाणियां पईआं, चाहे फांसियां दे चढ़ना पिया, पर माफिया नहीं मंगिया। उन्हां नूं इह किवें इन्हां ने जीरो बना के पेश करना है? ते जिहड़े सावरकर वर्गिया ने इत्थे अंग्रेज़ां तों माफिया मंग मंग के चिट्ठियां लिख लिख के पैरां दे डिग डिग के बाहर आए सी वी सानूं माफ कर दिओ, असीं तुहाडे खिलाफ कोई बगावत दी गल नहीं करदे, उन्हां नूं इन्हां ने हीरो बना के पेश करना है, रोल मॉडल बना के साडी आने वाली पीढ़ियां दे पेश करना है। सब तो वड्डा हमला तो मैं समझदा है कि साडे इतिहास के उत्ते सिक्ख्या नीति का होना है। साडे पंजाब दे अपने किस्से ने, अपनियां कहानियां ने, अपना गीत है, अपना संगीत है, अपनियां कवितावां ने, सो सारे कुछ नूं रल गड़ कर देना चाहुंदे आ, जिहदे लई असीं इहदा डट के पंजाब दे लोकां नूं सद्दा दिंदे आ कि सानूं विरोध करना चाहिए। बहुत कुछ है, मैं बहुतियां गल्लां विस्तार दे विच अज नहीं करूँगा, क्योंकि असी 8 तरीक नूं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे सन्नी बराए हाल दे विच एक सैमीनार रखिया। उस सैमीनार दे विच असी
डॉक्टर सिकंदर सिंह ने जिहड़े प्रोफेसर ने उन्हां नूं सरदार हमीर सिंह जी जिहड़े बुद्धिजीवी ने डॉक्टर जोगा सिंह जी जिहड़े बोलियां दे माहर ने इन्हां तिन्नां बुद्धिजीवियों नूं बुला के असीं इन्हां दा उत्थे भाषण रखिया ते समुचे उत्थे असीं जिहड़े पोलिटिकल धिरां ने श्रोमणी अकाली दल बादल कांग्रेस बीजेपी ते आम आदमी पार्टी ते होर भी जिहड़ियां इत्थे सियासी धिरां ने उन्हां सारिआं नूं सद्दा असीं निजी तौर ते भेज चुके हाँ उन्हां दे मेलां राहीं असीं भेज चुके हाँ भाई आह मसला है सिक्ख्या नीति का मसला है ये उत्ते थोड़ा की पक्ष है तुसी भी उत्थे आ के इन्हां विद्वान बंदिआं नूं सुनो ते अपना पक्ष है जिहड़ा ओह रखो भी तुसी इहदे उत्ते की स्टैंड रखदे हो की अपना पक्ष रखदे हो की इह नीति लागू होनी चाहीदी है जे नहीं लागू होनी चाहीदी। मैं तुहाडे नाल दखण दी गल कीती मैं छोटी उदाहरण दे दिंदा इक कर्नाटका दे विच जदों बीजेपी सरकार सी तां इह नीति उत्थे हौली हौली उन्हां लागू करती सी पर सरकार बदलण दे नाल जदों स्टालिन मुख्यमंत्री बनिया उत्थे तां उहने इह नीति लागू करन तों जवाब देता। सो अज भी सूबे ये सिक्ख्या नीति लागू करन तों जवाब दे सकदे आ कि इह साडे सभ्याचार साडी होंद साडी विरासत ते हमला है। सो इहदे लई असीं पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान नूं भी अपील करदे आ कि बड़ी खतरनाक नीति है इहनूं पढ़ लो। इन्होंने एक तरीके दे नाल मैं कहूँगा भी जिवें आपां किसे नूं जहर देना है वह गुड़ च लपेट के दे दिओ उस तरीके नाल जहर दित्ती जाणी है साडियां आउण वालियां नसलां ते पीढ़ियां नूं। तो अज साडा सोचण दा वेला कुछ करन दा वेला इहदा विरोध डट के करन दा वेला ये ना होवे वी असीं इन बिन जिहड़ियां इह नीति नूं लागू कर दईए। हाँ जिहड़ियां चंगीआं गल्लां उह च हैगीआं ने जिहड़ियां उस नीति दीआं चंगीआं गल्लां ने उह अपना लईआं जाण पर सारा इन बिन उहनूं लागू कर देना जो चाहुंदे ने वो बड़ा खतरनाक होना। यह राज्यां दे अधिकारां दे उत्ते वी बहुत बड़ा डाका है संघी जिहड़ा साडा ढांचा उहनूं तबाह करन दा है। साडा सारी सिक्ख्या दा किवें निजीकरण करना है किवें व्यापारीकरण करके व्यापारियों दे हत्थ सिक्ख्या देनी है इहदा कहिंदे जी एक डीसी का एक जज का बच्चा एक चपड़ासी एक मजदूर का बच्चा भी एको ही जहा सिलेबस पढ़ूगा। ये कहने दीआं गल्लां बहुत सौखियां लगदियां वधिया लगदियां ने कि देखो जी एक जज के बच्चे भी सिक्ख्या दी जा रही है एक मजदूर के बच्चे भी पर गल लुकमे रूप के एजेंडा दूजा लागू करना यह होना नहीं। मैं अज ही इन्होंने एक वकील की गलबात सुन रहा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पटीशन दायर की है कि यह सिक्ख्या नीति लागू की जाए। उन्हें गल कही कहिंदा जी ये जातिवाद खत्म हो जूगा वो कह दियां गल्लां ने जातिवाद एक वक्री बीमारी है खत्म करने की लोड़ असं भी चाहते हैं खत्म होवे जात पात ऊंच नीच खत्म होना चाहिए भेदभाव खत्म होने चाहिए सानू बराबरता की गल होनी चाहिए है पर तुम देखो भी जेडे किसी एक CBSE का कोई बोर्ड का स्कूल होवे पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड का स्कूल होवे 2000 कोई बच्चा पढ़ता है वो वख वख जातियां दे हुंदे ने उत्थे जाति खत्म हो गई नहीं हुई। सो इसलिए इस मसले नूं लैके असीं ये तो अलावा 8 तरीक का साडा जिहड़ा सैमीनार है पटियाले ये तो अलावा असीं अगे 20 दसंबर नूं पंजाब पंजाबीयत बचाओ यात्रा पूरे पंजाब दे विच कर रहे हैं। साडी कंपनी जथेबंदी है पंजाबी मां बोली सत्कार जथेबंदी उहदे वल्लों साडी समुची टीम असी चाहे साल लगे चाहे 2 साल लगन चाहे 4 साल लगन असी पंजाब दे हर पिंड च जाना वो 13,500 पिंड है साडा टीचा यही है भी असी 20 दसंबर तो शुरू करके ट्रैक्टरां दे उत्ते जाना असी एक पिंड तो दूजे दूजे तो तीजे 8 तो 10 पिंड जावांगे रोज़ लोगों नूं मिलांगे विचारां दी सांझ पावांगे रात नूं जिथे रात होगी उसे पिंड च ही रहांगे तो रात नूं उत्थे कोई नुक्कड़ नाटकां राहीं लोगों नूं समझाउण दी कोशिश जिहड़े साडे कोई कलाकार भरा उन्हां नूं बुला के ये उत्थे दिखाया करांगे भी देखो साडे उत्ते किहड़े किहड़े हमले हो रहे ने ते उहदा साडे जिहड़े मुख एजेंडे होणगे जिवें बोली इतिहास प्रवास जिहड़ा गैर कुदरती प्रवास हो रहा है नशे है बेरोजगारी है जिहड़ी लुट हो रही है साडी किसानां दी मजदूरां दी व्यापारियां दी इह सारे मुद्दियां नूं असीं जाके छोहांगे उन्हां लोकां दे नाल असीं जाके बैठ के विचारां करांगे भी पंजाब नूं इकट्ठे हो के जे आपां पंजाब नूं बचाउणा चाहुंदे आ अपनी होंद हस्ती नूं बचाउणा चाहुंदे आ तां सानूं इन्हां मुद्दियां दे उत्ते पंजाब दे लोकां नूं इकट्ठे होण दी लोड़ है। उहदे भी असीं अपील करदे आ समुचे पंजाबियां नूं भी भाई असीं तुहाडा दरवाजा खड़काउणा आ के तुहाडे दरां ते आउणा तुहाडे पिंडां नगरां च आउणा साडी गल्लबात भी सुणियो
अपने सवाल रखियो साडे असी जवाब देवांगे, साडे भी सवाल होणगे लोगों तो भी जवाब लवांगे, ताकि लोगों रल मिल के विचार सांझियां कीतियां जाण। हुण बालां नूं तां विचारां नूं ऐं नहीं पता भी सिक्ख्या नीति हुंदी की है, इहने किहने लागू करना है। आम तौर पर तो साडे पंजाबियां रोटी दे लाले पए होए ने, असी कल्ली खेती च उलझे होए हाँ, मजदूरां च उलझे होए हाँ, इन्ने मसले खड़े कर दिते गए कि सानू उत्थे उलझा दिता गया। सो दूजे पास टेढ़े ढंग दे नाल इह सिक्ख्या नीति लिया के सानू खत्म करन दी जिहड़ियां उह चालां चल रहे ने। सो इसलिए ये साडा अज दा मंतव सीगा ते पंजाब दे लोकां नूं अपील करदे हां कि कल्लियां रोटियां खा के ना भरावो सौण तक सीमित रहा करो, भी रोटी खा ली तड़के उठ के रोटी मिल गई काम कर लिया माड़ा मोटा, इत्थों सीमित ना रहो। सोडे इतिहास ते की हमला हो रहा, बोली ते की हमला हो रहा, सोडी सभ्यता ते की हमला हो रहा, सोडे पाणियां ते की हमले हो रहे ने, सोडी जवानी प्रवास कर रही है, पंजाब खाली हो रहा है। ये बहुत सोचण दा विषय है, चिंता दा विषय, चिंतन दा विषय है। अभी चिंता भी करना, चिंतन भी करना है, बैठ के विचारां भी करनियां। सो इसलिए पंजाब दे लोकां नूं अपील है कि सारे वो तमाम मसले ने, तो असीं इन्हां बुद्धिजीवियों नूं सुनना है। लोगों को बद्ध तो वध अपील करते हैं कि 8 तरीक नूं वड्डी गिणती दे विच पटियाला दा जिहड़ा असीं रखिया सैमीनार उह च पहुँचो, उन्हां बुद्धिजीवी विद्वान बंदियां दे साडे नाल बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके नाल तुहानूं दस्सणगे कि किवें इस सिक्ख्या नीति दा साडियां बोलियां साडे इतिहास सभ्यता दे उत्ते सभ्याचार विरसे दे उत्ते किवें मारू असर पैने हैं, वो सारियां गल्लां विस्तार नाल तुहानूं दस्सणगे।